अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? काइंडली कंफर्म कीजिए क्या कि अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, और जितने भी बच्चे प्रेजेंट हो काइंडली मुझे कंफर्म कर दो अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, अच्छा यार, अब जितने भी बच्चे ऑनलाइन हो क्या आप सब ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया? हाँ जी, असाइनमेंट सबमिट कर दिया सबने? अच्छा, मुझे स्क्रीनशॉट ज़रा भेजना, वहाँ पर क्या एरर क्या आ रहा है, क्या बोल रहा है, प्रूफ क्या करने को बोल रहा है? आप लोग मुझे ज़रा स्क्रीनशॉट भेजना जिन लोगों का असाइनमेंट वहाँ पर सबमिट नहीं हो रहा, ताकि मैं देखूं कि क्या बोला क्या जा रहा है। ग्रुप के एडमिन पहले कमेंट अप्रूव करते हैं, वहाँ फिर पोस्ट होता है। यार एडमिन तो मैं ही हूँ, तुम लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ या पहली बार इस ग्रुप पर आए हो? नो सर। अच्छा एक नो काम सर, करो, ज्वाइन नहीं है। अच्छा रुको, मैं तुम लोगों ग्रुप ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट भेजो, ग्रुप ज्वाइनिंग ओके सर। की जिस जिसकी आईडी होगी मैं अप्रूव कर दूँ। सही है, अब मैंने अप्रूव कर दिया रिक्वेस्ट, अब मेरे ख्याल में तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा। जी सर, अब हो गया। हो गया? सही है। यस सर। यार काइंडली ग्रुप पर एक मैसेज छोड़ देना कि सर हैज़ स्टार्टेड क्लास, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो क्लास को भी ज्वाइन कर लें फ़ौरन से। मैं इतनी देर में ज़रा मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई हुई है ज्वाइन करने की उनको अप्रूव कर दूँ। अच्छा जी, हाँ अब आप लोगों के कमेंट्स आ गए। अच्छा खुजैमा के कमेंट आ गया है, खुजैमा खान, आहा असद, कायनात सैफ, कौन है ऑनलाइन? अली, अली तुम्हारा काम कहाँ है? अली तुम्हारा काम कहाँ है? हाँ जी अली, तुम्हारा काम कहाँ है अली? फाइनली जल्दी से मुझे बता दो। और हाँ, जिन लोगों ने ये काम कर लिया मुझे बताओ, ये जो दो सवाल थे जो मैंने दिए थे इसमें कोई इश्यू आया है? हाँ भाई, किसी को कोई भी इशू? अली मैं तुम्हें, अच्छा जुहेर भी आ गया, जुहेर तुमने भी जो है वो अभी तक काम सबमिट नहीं करा, काइंडली टाइम पर काम सबमिट कर दिया करो। ठीक है जुहेर, काम क्यों नहीं सबमिट करा तुमने? हाँ जुहेर, काम क्यों नहीं सबमिट करा बेटा? सर आई हैव डन द असाइनमेंट बट कांट अपलोड राइट नाउ ड्यू टू कैमरा प्रॉब्लम। यार घर में क्या किसी का भी मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास? घर में किसी का भी मोबाइल नहीं है?
अभी अकेले हो ना बेटा, काम टाइम पर सबमिट कर दिया करो ना। एनीवेज कोशिश किया करो, काम जो है वो टाइम पर सबमिट कर दो। हाँ 1 घंटे बाद कर देना। बाकी सब मुझे बताओ यार, अब क्या CVP के मज़ीद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है या आप लोगों से हो रहे हैं सवाल? देखो हम दो टॉपिक्स जनरली यहाँ पर अभी आजकल डिस्कस कर रहे हैं। एक तो आपका CVP है, ठीक है ना, एक आपका जो है वो CVP यानी कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, और दूसरा आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। दोनों के मैंने आप लोगों को मिल मिलाकर मेरे ख्याल में CVP के आप लोगों को कोई 25 के आसपास शायद लेक्चर्स दिए होंगे, और इसी तरह से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के 15-20 लेक्चर्स दिए होंगे। ये दोनों टॉपिक्स आपके जो पेपर है उसके 20 मार्क्स अप्रॉक्स कवर करते हैं, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताओ कि इन दोनों में से आज मज़ीद कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, या इन दोनों टॉपिक्स में क्या मसला आ रहा है क्या मसला नहीं आ रहा है, आप बताओ ज़रा काइंडली, मुझे जल्दी से बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से मुझे बताओ, चैट बॉक्स में बताओ ताकि हम आगे बढ़ें, तो उससे पहले पिछली ये सारी चीज़ें वाइंड अप हुई हुई हैं। हाँ जी, डिटेल में बताओ, CVP में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में किसी टॉपिक में मसला आ रहा है, या CVP का बताओ या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का बताओ, डिटेल में बताओ, लेक्चर्स कवर कर लिए हैं नहीं करे हैं, मसला आ रहा है नहीं आ रहा है, काइंडली मुझे जल्दी से बताओ ताकि मैं आप लोगों को देख सकूँ कि भाई अब मज़ीद मुझे आगे किस तरह से लेकर चलनी है चीज़ें। ये दो टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पूरे सिलेबस को कंसिडर अगर हम करें तो उस हिसाब से, और मेरे ख्याल में यही दो टॉपिक्स हम लोग जो है वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, और यही दो टॉपिक्स जो है वो मैं मज़ीद आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा आज भी। आप लोग काइंडली मुझे फ़ौरन से मैसेज करें ताकि मुझे समझ में आए कि भाई इन टॉपिक्स में मज़ीद क्या करना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, काइंडली मुझे जल्दी से बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। अच्छा ये भी बताइएगा, ये वॉशिंगटन लिमिटेड वाला सवाल हमने कर लिया या नहीं? अच्छा मैसेज आया है, सर आई हैव डन द असाइनमेंट। अच्छा सर कोई इशू नहीं, बस अमेरिकन लिमिटेड का वेरिएबल की वर्किंग काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, अभी ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा ये हमने कर लिया था पिछली लाइव क्लास में, स्प्रिंग 2018 क्वेश्चन 3, या नहीं किया हमने स्प्रिंग 2018 क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्लास में करा था हमने? हाँ जी लास्ट क्लास में ये स्प्रिंग 2018 क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था हमने, कर लिया था, सही है। अच्छा तो ये हम कर चुके हैं, इसके अलावा लेट से एक और क्वेश्चन, हाँ ये शायद नहीं किया होगा, मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन किया है क्या हमने, विंटर 2014 क्वेश्चन नंबर 3, ये करा हुआ है हमने या नहीं करा, काइंडली मुझे बताओ। और हाँ ये मुझे बताओ कि भाई मैंने ग्रुप पर एक लिंक सेंड किया था आप लोगों को, जिसमें सारा कॉस्टिंग का मटेरियल है, और वो 2-3 दिन में जो है ना वो सारा मटेरियल जो है वो लिंक ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे बताओ कि वो कर लिया है या नहीं। डाउनलोड कर लिया था मटेरियल सारा? लिया था ना डाउनलोड। चलो अब ये जो सवाल आ रहे हैं ये सॉल्व करने के लिए कितना टाइम दूँ? मैं आप लोगों को ये जो आप लोगों के सामने सवाल आ रहा है ना,
पहले चाहूँगा कि आप लोग इस सवाल को खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, और फिर जो है वो मैं आप लोगों को ये सवाल सॉल्व करवाऊँगा। ये अगेन आप लोगों का एक CVP का कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के टॉपिक का ही सवाल है, ठीक है जी। और ये सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है, मैं आप लोगों को कितना टाइम दूँ इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और यार मटेरियल याद से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि कुछ दिनों में वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा। अब मैं एक काम कर रहा हूँ आप लोगों को, लेट से मैं ये जो सवाल है ना ये सॉल्व करने के लिए 15 मिनट्स दे रहा हूँ, ठीक है ना। 12:30 से लेकर मैं आप लोगों को जो है ना वो 12, लेट से 12:50 तक का टाइम देता हूँ सॉल्व करने के लिए। डन है? डन है भाई? काइंडली मुझे बता दो, डन है? चलो ट्राई करो इस सवाल को। आज भी हमें CVP और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की ही प्रैक्टिस मजीद करनी है, और आप जी लोगों को ये जो सवाल है ये सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को 10-15 मिनट दे रहा हूँ, और आप लोग 10-15 मिनट में ये सवाल सॉल्व करोगे, और उसके बाद फिर हम इस सवाल को जो है वो ट्राई करेंगे, यानी कि मैं सॉल्व करूँगा। बट पहले मैं आप लोगों को 15 मिनट देना चाहता हूँ, 20 मिनट देना चाहता हूँ, जिसमें आप लोग इस सवाल को ट्राई करें, ठीक है जी। मैं आता हूँ 15 से 20 मिनट में, आप लोग इसको सॉल्व करके रखें। थैंक यू।
हाँ भाई सॉल्व किया या अभी 5 मिनट और चाहिए? 5 मिनट और दे रहा हूँ, ठीक है 5 मिनट और हैं आप लोगों के पास, काइंडली इसको सॉल्व करें, 5 मिनट हैं आखिरी, ठीक है। सीवीपी का ही सवाल है ये भी। हाँ जी आखिरी 2 मिनट हैं आप लोगों के पास, काइंडली इस सवाल की एक पिक्चर ज़रूर ले लें ताकि मैं जो है वो फिर इसको स्क्रॉल डाउन कर कर चीज़ें आगे बढ़ाऊँ। रिपीट आप लोग काइंडली इसकी पिक्चर ले रहे हैं, ठीक है, और पिक्चर लेके ग्रुप में भी शेयर कर दें, पिक्चर लेकर आप लोग ग्रुप में भी पिक्चर को शेयर कर दें इमीजिएटली प्लीज़। पिक्चर लें और पिक्चर को ग्रुप में भी सर्कुलेट कर दें और उसके बाद फिर जो है वो हम इसको डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी पिक्चर लेकर ग्रुप में शेयर कर दें और फिर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ।
कोई भी एक बच्चा पिक्चर लेकर, और जो आप लोगों का KF3 का ग्रुप है, काइंडली बराए मेहरबानी उसमें सर्कुलेशन कर दें इसकी। ठीक है जी, पिक्चर लेके ग्रुप में भेज दी भाई किसी ने? हाँ, आप भेज सकते हो, पिक्चर लेके ग्रुप में भेज सकते हो बेटा। ठीक है जी, मैं स्क्रॉल डाउन कर लूँ। अच्छा चलो जी, पिक्चर ज़रा लेकर ग्रुप में भेज दी है ना किसी एक बच्चे ने। अच्छा बस मुझे 1 मिनट देना, मुझे 1 मिनट देना, मैंने 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करी है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि आप लोगों ने क्या किया। खुजैमा कहता है कि ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू का आंसर जो है ना, एज पर खुजैमा वो आ रहा है 2880937501। हाँ जी, क्या किया आप लोगों ने सॉल्व, कोई बताएगा मुझे? आप लोगों ने क्या पकाया है, क्या बनाया है, कैसे सॉल्व किया है, कोई बता सकता है मुझे? जी कायनात, क्या ये आंसर सही लग रहा है? चलिए जी, क्या मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर सकता हूँ अब? कर दूँ स्टार्ट सॉल्व करना? देखो इसमें लिखा हुआ है ABC लिमिटेड डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स। टेबल्स एंड चेयर्स यानी कि दो चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है? दो चीज़ों की बात हो रही है। कंपनी जो है ना वो टेबल्स भी बनाती है और चेयर्स भी बनाती है, दो चीज़ें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 इज एज फॉलोज। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपको दिया हुआ, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट लॉस बिफोर टैक्सेशन, टैक्सेशन और नेट लॉस आफ्टर टैक्सेशन। सेलिंग प्राइस पर टेबल एंड चेयर इज 22,000 एंड 8,000 पर यूनिट, हैविंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 35% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। टेबल्स एंड चेयर्स आर सोल्ड इन द रेशियो ऑफ 1:4, ठीक है? जो आपके पास सेलिंग प्राइस दी हुई है टेबल्स और चेयर्स की, और उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशियो दिया हुआ है, और ये बोला हुआ है कि 1:4 के रेशियो में चीज़ें बेची जाती हैं। तो अब मैं एक वर्किंग कर लेता हूँ यहाँ पर। मैं जो है ना लिखता हूँ टेबल और चेयर, दो चीजें है ना। सेलिंग प्राइस जो मेरा टेबल है उसकी सेलिंग प्राइस है 22,000, और जो मेरी चेयर है ना उसकी सेलिंग प्राइस है 8,000, ठीक है? फिर सवाल में साथ में लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन 35% एंड 30%। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात करता हूँ, अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात करता हूँ
तो टेबल अगर 22,000 का बिकता है तो कंट्रीब्यूशन उसमें से 35% है। टेबल अगर 22,000 का बिकता है तो कंट्रीब्यूशन जो है वो 22,000 का 35% है, ऐसा ही लिखा है ना। तो 22,000 का 35% जो है वो कितना बन जाता है, 22,000 का 35% बन जाता है 7,700। इसी तरह से जो चेयर है उसकी वैल्यू 8,000 है और सी एस रेशियो जो है ना वो 30% है। तो अगर सी एस रेशियो 30% है तो 8,000 का 30% कितना बनता है, 8,000 का 30% कितना बनता है, 8,000 का 30% बनता है 2,400। इसका मतलब 22,000 की जो सेलिंग प्राइस है उसका 35% यानी कि 7,700 कंट्रीब्यूशन है, सेलिंग प्राइस जो चेयर की है वो 8,000 है उसका 30% यानी कि 2,400 कंट्रीब्यूशन है। तो हम एक और चीज़ भी ढूंढ सकते हैं विच इज़ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 22,000 माइनस 7,700 और इसी तरह से 8,000 माइनस 2,400 यानी कि 5,600। बात समझ में आ रही है? हाँ प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? कोई मसला है यहाँ तक? देखिए मैंने सीधा सीधा आप लोगों के पास सेलिंग प्राइस दी हुई थी, सेलिंग प्राइस का 35% दिया तो टेबल की कंट्रीब्यूशन आ गई, बाकी 65% जो है वो 22,000 का यानी कि वेरिएबल कॉस्ट होगी और इसी तरह से चेयर के लिए की। अच्छा अब रेशियो भी दिया हुआ, रेशियो क्या दिया हुआ है, बोलता है कि अगर एक टेबल बिकता है तो चार चेयर्स बिकती हैं। इसका मतलब अगर हम पैकेट की बात करें, अगर हम पैकेट की बात करें तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 22,000 वाला एक टेबल बिकता है तो 8,000 वाली चार चेयर्स बिकती हैं यानी कि टोटल सेल्स रेवेन्यू जो है ना वो 54,000 होता है। अगर 22,000 वाला एक टेबल बिकता है तो 8,000 वाली चार चार चेयर्स बिकती हैं और टोटल अमाउंट 54,000 होता है, करेक्ट। यानी कि अगर 54,000 की सेल है तो उसमें एक टेबल है और चार चेयर्स हैं। अगर कंपनी 54,000 की चीज़ें बेचती है तो उसमें एक चेयर है 22,000 वाली और उसमें चार टेबल्स हैं 8,000 की सेलिंग प्राइस वाले, एग्रीड। अब हमारे पास जो सवाल में सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है ना, सवाल में कितना सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, सवाल में सेल्स रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, सेल्स रेवेन्यू सवाल में दिया हुआ है 2,430,000। बताओ ये कितने पैकेट्स होंगे, ये कितने पैकेट्स होंगे, क्या मैं 2,430,000 को डिवाइड कर दूं 54,000 से, एग्री। ऐसा है 54,000 का सेल्स रेवेन्यू एक पैकेट का सेल्स रेवेन्यू है, एग्री। ठीक है तो आप मुझे बताओ कितने पैकेट्स बनेंगे ये, कितने पैकेट्स बनेंगे बेटा, पैंतालीस हज़ार, 4,500 पैकेट्स। आयशा, कायनात, खुजैमा, जुहेर, आगा, जरियाब, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? काइंडली मुझे ये बताते जाओ, मैं आगे नहीं भागना चाहता जब तक चीज़ें क्लियर ना हो। आराम और इत्मीनान के साथ देख लो भाई। अच्छा अब इस हिसाब से अभी कंपनी कितने टेबल्स और कितने चेयर्स बनाकर बेच रही है, बताओ बताओ टेबल्स कितने होंगे, चेयर्स कितनी होंगी। हाँ 4,500 टेबल्स होंगे और 1,800 चेयर्स होंगी। रीज़न मीन के एक पैकेट में होती है एक चेयर, एक टेबल और एक पैकेट में चार चेयर्स होती हैं। तो अगर टोटल करते हैं इसको तो ये 22,500 बनता है। यानी कि मैंने 22,000 और 500 चीज़ें बेची होंगी, मैंने 22,000 और 500 चीज़ें बेची होंगी और 22,000 और 500 चीज़ों में 1,800
18,000 चेयर्स हैं और 4,500 टेबल्स हैं। आराम आराम से मुझे बताओ भाई, कोई मसला? कोई मसला नहीं है ना? ठीक है, 22,500 में से 4,500 टेबल्स हैं और 18,000 चेयर्स हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे बोलते हैं 80% ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड बाय द रिमेनिंग एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। कॉर्पोरेट टैक्स इज एप्लीकेबल एट 34% व्हाइल नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन केस ऑफ लॉस। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रुपीज 180 मिलियन। सवाल की रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन द ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू 8 मार्क्स। अच्छा, जब हमें ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालना होता है ना, तो हमें फिक्स कॉस्ट की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर फिक्स कॉस्ट अलग से नहीं है, यहाँ पर हमारे पास टोटल कॉस्ट ज़रूर है। टोटल कॉस्ट क्या है? 2,115,000,000 ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट है, और 5,730,000,000 ये मेरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट है। 2,115,000,000 ये मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट है, 5,730,000,000 ये मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट है। ठीक है, 2,115,000,000 ये मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट है, और 5,730,000,000 ये मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट है। जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे मेरी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो पता चल जाएगी। डन है? सही है ना? तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरी टोटल कॉस्ट क्या आती है? मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो 2,115,000,000 और 57,300,000 इन दोनों का एडिशन अगर करते हैं ना, तो 2,688,000,000 बनती है। इसमें से मैं लेस कर देता हूँ क्या? इसमें से मैं लेस कर देता हूँ मेरी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट टेबल की और चेयर की दोनों की होगी। जब वो लेस कर दूंगा ना तो मेरे पास जो है ना वो फिक्स कॉस्ट बच जाएगी। अच्छा देखो कायनात, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 80% फिक्स्ड है। बिल्कुल सही बात है, तुम्हारी बात गलत नहीं है, तुम्हारी बात बिल्कुल ही सही है। मुझे बस 1 मिनट देना तो मैं तुम्हारी बात पर भी वापस आऊँगा। पहले एक मैं वर्किंग कर रहा हूँ ना, वो वर्किंग देख लो और फिर मैं तुम्हारी बात जो है ना उसका जवाब भी दूंगा, उसको हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन पहले ये वाली वर्किंग देख लो, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि 2,688,000,000 में सारी पूरी कंपनी की फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों चीज़ें मुकम्मल तौर पर शामिल हैं? ये बात तो क्लियर है ना कि 2,6 ये जो अमाउंट आ रहा है इसमें मुकम्मल तौर पर मेरी सारी वेरिएबल और मेरी सारी फिक्स कॉस्ट, मेरी सारी की सारी कॉस्ट जो है ना वो 100% शामिल है। इसमें पूरे इदारे की, चाहे वो ऑपरेटिंग की हो चाहे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हो, सारी कॉस्ट शामिल है। अच्छा, मुझे ये पता है कि मैंने जो है ना वो टेबल बनाए थे कितने, मैंने टेबल बनाकर बेचे थे 4,500, और एक टेबल जो है ना उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट थी ना वो 14,300 थी। मैंने 4,500 टेबल्स बनाए थे और एक टेबल की जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो 14,300 थी। ये बात मालूम है ना? 4,500 टेबल्स और हर टेबल की वेरिएबल कॉस्ट 14,300, यानी कि जो मैंने 4,500 टेबल्स बनाए हर टेबल की वेरिएबल कॉस्ट 14,300 थी,
तो टेबल्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 6,43,50,000 बनती है। इसी तरह से अगर चेयर्स की बात करें तो 18,000 चेयर्स हैं और हर चेयर की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 5,600 है। तो अगर मैं 18,000 को 5,600 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी जो चेयर्स हैं उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी कितनी बनेगी बताओ। स्क्रीन थोड़ा रुक कर आ रही है क्या? सबके पास स्क्रीन में कोई मसला आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो अगर मैं अब अपनी टोटल कॉस्ट में से पूरी कंपनी की टोटल कॉस्ट में से पूरी कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। पहले तो इस वर्किंग को समझ लो, कॉपी कर लो, इस वर्किंग को समझ लो, इस वर्किंग को कॉपी कर लो। ये मेरी टोटल पूरे इदारे की जो फिक्स कॉस्ट है वो होगी। हम आराम से सवाल टाइम लगा कर सॉल्व करेंगे, हमें कोई किसी किस्म की जल्दी नहीं है। भाई अच्छा, अब देखो जो कायनात तुम्हारा सवाल था कि सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से 80% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो वेरी फिक्स्ड हैं, उसको अलग करने का कोई फ़ायदा होता ही नहीं। उसको अलग करने का कोई फ़ायदा होता क्या? क्या करूं उसको अलग कर या उसको कैलकुलेट कर कर क्या करूं? कोई फ़ायदा ही नहीं है। मुझे तो पूरी फिक्स कॉस्ट चाहिए थी और वो पूरी फिक्स कॉस्ट मेरे सामने हाजिर है, मुझे अलग कर कर क्या करना है? कोई फायदा है क्या? सही है। अच्छा अब अगली चीज कंट्रीब्यूशन पर पैकेट निकाल लो। कंट्रीब्यूशन पर पैकेट कैसे आएगा? एक पैकेट में एक टेबल होता है और एक टेबल की कंट्रीब्यूशन 7,700, और एक पैकेट में हमारे पास चार चेयर्स होती हैं और एक चेयर की कंट्रीब्यूशन 2,400। एक पैकेट में हमारे पास एक टेबल है जिसकी कंट्रीब्यूशन 7,700 है और एक पैकेट में हमारे पास चार चेयर्स हैं जिसकी कंट्रीब्यूशन 2,400 है। यानी कि एक अगर पैकेट की बात करी जाए तो एक पैकेट की टोटल कंट्रीब्यूशन क्या बनती है? ₹17,300। अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स निकाल लेता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स निकालो कैसे आएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर पैकेट, यानी कि 5,991.3295। मैंने फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर पैकेट से डिवाइड किया तो मुझे पता चल गया कि तकरीबन 5,991.3295 जो है ना नंबर ऑफ पैकेट्स हैं। सही है? कोई इशू? सही है जी। अच्छा टेबल्स
एंड चेयर्स, अगर वो मुझसे यूनिट्स में पूछता कि भाई ब्रेक इवन पे कितने यूनिट्स होंगे, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई वन और दिस मल्टीप्लाइड बाई फोर, यानी कि मैं बोलता कि भाई कंपनी का ब्रेक इवन जो है ना वो तकरीबन 29956.65 यूनिट्स पर अचीव हो रहा है। क्लियर है ये बात? लेकिन उसने क्या पूछा, उसने हमसे पूछा है डिटरमाइन द ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। तो ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू के लिए क्या करना चाहिए, कोई बता सकता है? ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू कैसे निकलता है, क्या करें हम ऐसा कि ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू आ जाए? हाँ, ब्रेक इवन के ये जो यूनिट्स हैं इनको सेलिंग प्राइस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई टेबल्स हैं और चेयर्स हैं, और हम ये करेंगे कि ये जो नंबर ऑफ टेबल्स हैं इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया टेबल की सेलिंग प्राइस 22,000, और ये जो चेयर्स हैं इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया चेयर्स की सेलिंग प्राइस यानी कि 8,000 से, और इन दोनों को टोटल कर दिया। मेरे ख्याल में ये 3235 कुछ समथिंग आंसर बन रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे आप लोग बताइएगा आप लोगों का आंसर क्या बन रहा था। किसी का ये आंसर मैच कर रहा है? ठीक है जी, ये आपका पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया। हाँ प्यारे बच्चों, कोई मसला किसी को काइंडली मुझे बताए, किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला काइंडली मुझे डिस्कस करें मुझसे, ताकि मैं उसका मसला, प्रॉब्लम, क्वेरी, कंसर्न दूर कर सकूं। किसी का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, कोई कंसर्न काइंडली मुझे बताएं, ताकि मैं उसका मसला, क्वेरी, कंसर्न, प्रॉब्लम जो है वो दूर कर सकूँ। हाँ भाई, किसी का कोई भी क्वेश्चन, आगा, आयशा, कायनात, खुजैमा, जुहेर, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ तक आप लोगों ने आई होप कि सॉल्व करा होगा। ज़रा आपने जो सॉल्व किया उसकी पिक्चर लेकर व्हाट्सएप पर सेंड करो। शाबाश, जो आप लोगों ने सॉल्व किया है उसकी पिक्चर लेकर व्हाट्सएप पर ज़रा जल्दी से शेयर करें। शाबाश, मैं वेट करता हूँ। एक्सपेंसिव से 20% साथ से अलग कॉस्ट भी रेस कर दी थी, तो मेरी फिक्स कॉस्ट ही चेंज। कायनात, घूम फिर कर एक लंबे तरीके से वो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा। अगर हम जो है वो 20% लेते हैं तो फिर थोड़ा सा एक लंबा तरीका होगा, लेकिन उससे भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, ये बात नहीं है कि नहीं होगा। अच्छा सर, ये आपका सवाल है, वेयर डिड वी गेट दी 29956 फिगर सर? 2995 का, अच्छा ये टोटल नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स हैं जरियाब, तुम वही हो ना जिसने लास्ट क्लास में लेक्चर्स पूरे नहीं किए थे और अंधी मार रहे थे बीच में, करे तुमने चीज़ें पूरी करी? हाँ, तू करता नहीं है, अंग्रेजी में बातें करता रहता है, एकदम से अपना रक्षा ले आता है बीच में। भाई तेज़ी से लेक्चर ख़त्म कर यार, अभी तो दो टॉपिक नहीं हुए पूरे। खैर, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है मेरे भाई, देख लो अगर कोई मसला है तो बता दो, और भाई पढ़ना शुरू कर दो यार, तुम लोग पेपर आने में पता भी नहीं चलेगा।
जरियाब आज कर लोगे ना तुम CVP और EOQ वाइंड अप, जो दो टॉपिक्स हम लोग चला रहे हैं इतने दिनों से? आई होप सो। चलो जी। हाँ भाई, सबने कॉपी कर लिया? पिक्चर भेजो जरा ग्रुप पर, मैं वेट करता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ सर, कैमरा चल गया तुम्हारा? होमवर्क भेजो जरा उस पर, जो हमारे कमेंट्स है उस पर होमवर्क भेजो बेटा। प्यारे बच्चों, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के पिक्चर्स का। ग्रुप पर ज़रा शाबाश जल्दी से भेज दें। और मैंने ग्रुप पर एक दो दिन पहले कुछ एक लिंक भेजा है, उसमें सारे के सारे जो है ना आपके अलग अलग करे नोट्स हैं। लिंक 1 से 2 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, डाउनलोड कर लें काइंडली चीज़ें। जी जल्दी जल्दी भेजें भाई, ताकि हम आगे बढ़ें। चलो जी, अब मुझे ये भी बताओ पार्ट बी कितने लोगों ने कर लिया? पार्ट बी कितने लोगों ने कर लिया? कितने लोगों से पार्ट बी हो गया? पार्ट बी हो गया भाई, या करवाना शुरू करूं? बच्चों थोड़ा सा पेज दिखाएं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ जुहेर ने और आगा साद ने आंसर्स भेजे हैं। आंसर भेजो ग्रुप पर और पार्ट बी की अपडेट करो, ताकि फिर मैं उसको करवाना शुरू करूं इन केस अगर नहीं हुआ तो। कायनात का अब आंसर आया है। डिवाइडिंग दी सेपरेट सी एम परसेंटेज गिवन इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कैलकुलेटिंग। अच्छा, ये एक अच्छा सवाल आया जरिए आपका, कि क्या हम ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो सी एस रेशियो डिवाइड कर कर कैलकुलेट कर सकते हैं, राधर देन के हम यूनिट्स कैलकुलेट कर कर और उसके बाद जो है वो उसकी कैलकुलेशंस करें? कोई जवाब दे सकता है?
हाँ जी, जरियाब का कोई जवाब दे सकता है कोई अल्लाह का बंदा? मिस्टर सनाटास, जरियाब का ये सवाल है कि क्या सीएस रेशो कैलकुलेट कर कर हम अपना आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हाँ या नहीं? क्या कहोगे आप लोग, क्या कहना चाह रहे हैं? ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है? हाँ, आहा ने बिल्कुल सही आंसर दिया। हमें वेटेड एवरेज सी एस रेशो निकालना पड़ेगा क्योंकि ये एक मल्टी प्रोडक्ट सवाल है। मल्टी प्रोडक्ट सवाल में क्या होगा, मल्टी प्रोडक्ट सवाल में हमें वेटेड एवरेज सी एस रेशो निकालना पड़ेगा। यानी कि हम ये करेंगे कि टेबल, एक टेबल की कंट्रीब्यूशन 7,700 है, एक पैकेट में एक टेबल होता है, प्लस एक चेयर की कंट्रीब्यूशन 2,400 है, एक पैकेट में चार चेयर्स होती हैं, डिवाइडेड बाय एक पैकेट की सेलिंग, एक पैकेट में एक टेबल होता है जिसकी सेलिंग प्राइस है वो 22,000 होती है, प्लस एक पैकेट में चार चेयर्स होती हैं और एक चेयर की जो सेलिंग प्राइस है वो 8,000 होती है, और इससे हम एक एवरेज निकालेंगे जो कि ये तकरीबन 32% आ रहा है, 32.04%। पहले तो इस वर्किंग को देख लो। ये कहलाता है वेटेड एवरेज सी एस रेशो। ये तब कैलकुलेट होता है जब कंपनी के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हों। वेटेड एवरेज सी एस रेशो, ठीक है, कब कैलकुलेट होता है? जब कंपनी के एक से, जब कंपनी के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो। ठीक है, अब जब आप वेटेड एवरेज सी एस रेशियो निकाल लोगे ना, तो आप क्या करोगे, आप अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट को, आप अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट को यानी कि ये वाली अमाउंट को वेटेड एवरेज सी एस रेशियो से यानी कि 32.04% से डिवाइड करोगे। देखो सेम आंसर आ रहा है। ठीक है सर, आप बात क्लियर है? जी जरिया, बात डन हो गई, क्लियर हो गई? हाँ जी, बताएं जी, कोई मसला? ठीक है, ये आप लोगों का पहला पार्ट सॉल्व है, पार्ट ए सॉल्व है। चलें जी, अब पार्ट बी पर आते हैं। पार्ट बी बड़ा खतरनाक पार्ट, अच्छा सवाल। पार्ट बी बड़ा खतरनाक सवाल, अच्छा सवाल। पार्ट बी में लिखा हुआ है डिटरमाइन द नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स दैट नीड टू बी सोल्ड इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू पे अ डिविडेंड ऑफ 10% एंड रिटेन्ड प्रॉफिट्स अमाउंटिंग टू 4% ऑफ सेल्स। जी जनाब, किसी ने ये सॉल्व किया है? बताइएगा ज़रा, देखें ज़रा आप लोगों ने क्या किया, कैसे सॉल्व किया। कोई ऐसा जिसने ये सॉल्व किया हुआ है बताइएगा। जी जनाब, आराम से टाइम चाहिए तो आप टाइम भी मांग सकते हैं, किसी किस्म के कोई मसले की बात ही नहीं है। आप टाइम मांगें, आप आराम से सॉल्व करें, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुजैमा, सॉल्व किया भाई, क्या करेंगे इसमें? सर अभी कर रहे हैं, चलो करो करो करो। वैसे एक बात है, आप लोगों की पेस बहुत स्लो है, एग्ज़ाम्स में इतनी स्लो पेस से सवाल सॉल्व करोगे तो मसला हो जाएगा, आपने अपनी पेस बढ़ानी पड़ेगी। वैसे करो जी, 2 मिनट हैं आप लोगों के पास।
जी भाई, चलें जी, मेरे ख्याल में मैं अब करवा देता हूँ आपको, सही है? करवा दूँ? चलो अच्छा, तो देखो इसका सवाल ज़रा पढ़ो। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर्स दैट नीड टू बी सोल्ड इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू पे अ डिविडेंड ऑफ 10%। कंपनी चाहती है कि वो 10% का डिविडेंड पे करे एंड रिटेन प्रॉफिट्स अमाउंटिंग टू 4%, और उसका जो रिटेन अर्निंग्स का अमाउंट हो वो 4% हो। ठीक है? अच्छा देखो, होता क्या है कि अगर हम इस सवाल को देखते हैं ना, तो हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, फिर हमारे पास बुलेट 1, 2, 3, 4 कुछ बुलेट्स दिए हुए हैं। लिखा हुआ है द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹180 मिलियन। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹180 मिलियन। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है ना वो 180 मिलियन है। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो 180 मिलियन है। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो 180 मिलियन है। ठीक है? कंपनी का जो शेयर कैपिटल है ना वो 180 मिलियन है। तो अगर डिविडेंड जो है उसकी परसेंटेज 10% है, तो इसका मतलब मुझे डिविडेंड कितना पे करना, 180 मिलियन का 10%। ठीक है जी? यानी कि 18 मिलियन का मुझे जो है वो डिविडेंड पे करना होगा। ये आप पहली चीज़ दिमाग में बैठा लें। ये क्लियर है? दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर एक जो है ना वो वर्किंग करता हूँ। लेट्स से सेल्स रेवेन्यू, लेट्स से कंपनी का सेल्स रेवेन्यू 100। लेट्स से अगर कंपनी का सेल्स रेवेन्यू जो है ना वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि है 100 रुपये। अगर ये जो ऊपर सिनेरियो दिया हुआ है इसमें कंपनी का सेल्स रेवेन्यू 100 हो, सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाती है तो क्या आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स माइनस होता है तो क्या आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, हमने ये चीज़ कैलकुलेट करी है यहाँ पर, बिल्कुल खुजैमा सही बोल रहा है। खुजैमा, तुमने माशाल्लाह से बहुत इंप्रूव किया है AFC के मुकाबले में। 32.04% मेरा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, CS रेशियो है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस कंपनी की सेल्स जो है ना वो 100 होगी ना, तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, इसकी कंट्रीब्यूशन होगी सेल्स रेवेन्यू का, यानी कि 100 का 32.04%। अगर इसकी सेल्स रेवेन्यू का 32.04%, सेल्स रेवेन्यू का 32.04%, सेल्स रेवेन्यू का 32.04%, यानी कि 32.04। समझ रहे हो ना बात को? अगर इस कंपनी का सेल्स रेवेन्यू जो है वो 100 होगा, अगर इस कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू है वो 100 होगा, तो इसकी कंट्रीब्यूशन 32.04 होगी। अगर इस कंपनी का सेल्स रेवेन्यू 100 होगा, तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 32.04
32.04 होगी, ठीक है। और अगर कंट्रीब्यूशन 32.04 होगी तो वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 67.96। यहाँ तक क्लियर है भाई? कोई मसला? कोई मसला? ये हम रेशियो बना रहे हैं, एक रेशियो बना रहे हैं कि अगर सेल्स जो है वो इतनी हो तो ये इतना होगा, तो ये इतना होगा, तो ये इतना होगा, इस तरह का एक रेशियो बना रहे है। अच्छा, अब अगली बात मुझे ये बात बताओ, डिविडेंड कहाँ से पे होता है? क्या डिविडेंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से पे होता है या डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से पे होता है? आखिर कहाँ से डिविडेंड पे होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड पे किया जाता है, ठीक है। जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, डिविडेंड हमेशा उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से पे किया जाता है, सही है ना? अच्छा, हमें फिक्स कॉस्ट पता है ना, हमें फिक्स कॉस्ट पता है ना, हमें फिक्स कॉस्ट मालूम है, सही है, हमें फिक्स कॉस्ट मालूम है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट मालूम है, हमें टैक्स की परसेंटेज भी मालूम है, हमें टैक्स की परसेंटेज भी मालूम है। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना चाहिए होगा? देखो, अगर मुझे 18 मिलियन का डिविडेंड पे करना है, तो 18 मिलियन का डिविडेंड पे करने के लिए मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18 मिलियन से ज़्यादा चाहिए होगा। मैं अपनी बात को वापस रिपीट करता हूँ, अगर मुझे 18 मिलियन का डिविडेंड पे करना है, डिविडेंड पे होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, 18 मिलियन का डिविडेंड पे करने के लिए 18 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना चाहिए होगा? इस सवाल में टैक्स की परसेंटेज कितनी है? टैक्स की परसेंटेज है 34%। टैक्स की जो परसेंटेज है ना वो है 34%। तो अगर मुझे 18 मिलियन का डिविडेंड पे करना है, अगर मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18 मिलियन बचेगा तो मैं 18 मिलियन का डिविडेंड पे करूंगा, मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना चाहिए होगा बताओ? अगर किसी को 18 मिलियन का डिविडेंड पे करना है तो उसके लिए उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना चाहिए होगा? यस, क्या करेंगे? 18 मिलियन का अगर डिविडेंड पे करना है तो ये आफ्टर टैक्स वाली अमाउंट है, इसको 66 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको नोट डाउन करो, इसकी लॉजिक भी बताता हूँ। ठीक है, देखो, आप अगर इतना प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाओगे, आप अगर पीबीटी कमाओगे इतना, अगर आप पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाओगे 2727 का, तो इसमें से आपका टैक्स चला जाएगा। अच्छा, इसमें से आपका टैक्स कितना जाएगा? इसमें से आपका टैक्स जो है ना वो चला जाएगा 34%। जब आपका टैक्स चला जाएगा 34%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाएगा 18 मिलियन, और आप ये डिविडेंड के तौर पर पे कर सकोगे। प्यारे बच्चों, अगर कोई भी कन्फ्यूजन होना वक्त पर मुझसे पूछ लो, बाद में रोने धोने से अच्छा है कि अभी तुम जो है वो टीचर से पूछ लो। देखो, मैंने एक सिंपल सी वर्किंग करी है कि यार अगर मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 272727 होगा, तो इसका 34% टैक्स में चला जाएगा। जब इसका 34% टैक्स में चला जाएगा तो मेरे पास जो है वो 18 मिलियन बच जाएगा। उस 18 मिलियन से मैं 18 मिलियन का डिविडेंड दे सकूंगा, यानी कि दिस प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज सफिशेंट टू पे अ डिविडेंड ऑफ 18 मिलियन। ये बात समझ में आ रही है? और इसको ढूंढने का आसान तरीका ये है कि क्योंकि 18 मिलियन टैक्स के बाद है, तो आप 66 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। हो गया?
हाँ जी डन है ना, ये कोई मसला तो नहीं है ना इसमें? सही है। अच्छा अब क्या मुझे इतना ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए? क्या इतना ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए? कुछ और भी लिखा हुआ है सवाल में? क्या लिखा हुआ है सवाल में? एक और बात भी लिखी हुई है, वो बात क्या लिखी हुई है सवाल में? एक और बात लिखी हुई है, वो बात क्या लिखी हुई है? सवाल में ये लिखा हुआ है कि भाई आपको ये तो अमाउंट चाहिए चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स के तौर पर, साथ में आपको जो है ना वो सेल्स रेवेन्यू का 4%, सेल्स रेवेन्यू का 4%, सेल्स रेवेन्यू का 4% रिटेन प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक है जी, सेल्स रेवेन्यू का 4% प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी चाहिए। तो आप ज़रा गौर से मेरी बात सुनना, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पर, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, बताओ इससे क्या आएगा? ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या बनता? सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या बनता? सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या बनता है? कंट्रीब्यूशन बनता है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। यार इसको देखो ना, सेल्स रेवेन्यू से मेरी वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन पर आ गए, ये अंदर वाला ब्रैकेट है, उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर आ गए। यानी कि ये क्या है? ये पीबीटी है, पीबीटी है, पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। टैक्स रेट कितना? 34%। 34% टैक्स रेट होने का मतलब ये होता है, 34% टैक्स रेट होने का मतलब ये होता है कि मैं जितना भी मेरा पीबीटी होगा उसमें से 34% एज अ टैक्स चला जाएगा। जितना भी मेरा पीबीटी होगा, जितना भी मेरा पीबीटी होगा, जितना भी मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, जितना भी मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, जितना भी मेरा पीबीटी होगा, जितना भी मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, उस पीबीटी का या प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 34% टैक्स में चला जाएगा। तो मुझे कितना परसेंट बचेगा? मुझे कितना परसेंट बचेगा? देखो ये जो पीबीटी होगा इसका 34% टैक्स में चला जाएगा, तो मेरे हाथ में क्या रहेगा, कितना परसेंट रहेगा पीबीटी का? कितना परसेंट पीएटी बनेगा? 66%। 66%। देखो अगर सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 66% दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 66% दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 66% दिया, क्योंकि 34% तो टैक्स में चला जाना था, तो ये बन जाना चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्वेश्चन समझ में आई? सेल्स रेवेन्यू में से अंदर वाले ब्रैकेट में सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया है, सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन बचेगी, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो पीबीटी बचेगा, पीबीटी का 66%, पीबीटी का 60%, 66% मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से मैं क्या पे करूंगा? उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से मैं डिविडेंड पे करूंगा और 4% मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स का अमाउंट होगा। क्लियर हो गई बात है ना? अच्छा अब मुझे सेल्स रेवेन्यू तो नहीं पता सर, तो मैं एक्स लिख देता हूं। मुझे सेल्स रेवेन्यू नहीं पता ना, मुझे सेल्स रेवेन्यू नहीं पता, मैं एक्स लिख देता हूं। सेल्स रेवेन्यू क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं उसकी जगह पर एक्स या ए लिख देता हूँ, ए मल्टीप्लाई के साइन से कंफ्यूज ना हो। ए क्या है? सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू का अगर मैं 32.04% लूंगा तो क्या आएगा? सेल्स रेवेन्यू अगर ए है, सेल्स रेवेन्यू अगर ए है, सेल्स रेवेन्यू अगर ए है तो ए का 32.04% लूंगा तो क्या आएगा?
32.04% मेरा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो था, यानी कि ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया पूरा, माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारी सवाल में कितनी है? हमारे सवाल में फिक्स कॉस्ट पहले पार्ट में कैलकुलेट करी थी 103,650,000। सेल्स रेवेन्यू का 32.04% कंट्रीब्यूशन बनेगा, कंट्रीब्यूशन में से मैं 103,650,000 माइनस करूंगा। ऐसा करने से मेरे पास जो आंसर आएगा उसका अगर मैं 66% दूंगा, सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके जो आंसर आया, यानी कि कंट्रीब्यूशन जितना भी आया उसमें से मैंने जब फिक्स कॉस्ट को माइनस किया उसके बाद जो बच गया उसका 66% लूंगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, है ना। और मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना चाहिए? सर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18 मिलियन चाहिए इन ऑर्डर टू पे डिविडेंड। प्लस सवाल ये कहता है कि जितना सेल्स रेवेन्यू हो उसका 4% भी चाहिए। ये इक्वेशन बनेगी, खतरनाक सवाल था ये, खतरनाक। देखो मैथमेटिकली जो है ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रखो, कॉस्टिंग का पेपर आराम से निकलेगा। इक्वेशन समझे, देखें ए का, ए अगर सेल्स रेवेन्यू, हमने एज्यूम किया कि सेल्स रेवेन्यू ए है, तो ए का 32.04% कंट्रीब्यूशन बनेगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होगी तो पीबीटी आएगा, पीबीटी का 66% पीएटी होगा, यानी कि इक्वल्स टू पीएटी। पीएटी कितना चाहिए? पीएटी 18 मिलियन चाहिए डिविडेंड पे करने के लिए, पीएटी 18 मिलियन चाहिए डिविडेंड पे करने के लिए, और मज़ीद सेल्स रेवेन्यू का 4% भी चाहिए। ये क्वेश्चन बनेगी? हाँ जी, आप लोगों को मैं पाँच मिनट देता हूँ, मैं पाँच मिनट में आ रहा हूँ। दोबारा से इस इक्वेशन को देखें और एक ही वैल्यू बताएं मुझे, सॉल्व करकर एक ही वैल्यू बताएं। चलें, मैं पाँच मिनट में आ रहा हूँ।
हाँ भाई, खोपड़े में गया कुछ। वैसे ये सी फैप का सवाल है, यानी कि ये आप लोगों के लेवल से ऊपर का ही सवाल है। ये है सी ए फाइनल का सवाल, समझ रहे हो? यहाँ पे तुम आज से 3 4 साल बाद हो गए, तो मेरी एक पॉलिसी होती है कि भाई मैं मुश्किल 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 से मुश्किल सवाल करवाऊँ, ताकि जब तुम पेपर में जाओ तो खुश 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 और खुश जाओ। तो ये जो हम सवाल कर रहे हैं ना, ये सी फैप का सवाल है। सी फैप का, समझ रहे हो बात को? सी फैप का सवाल है। अरे भाई, हाँ भाई, प्यारे प्यारे बच्चों, लोग मिस करता हूँ मैं तुम लोगों को। देखो भाई, किसी से सॉल्व नहीं हो रहा तो बता दो। सीए जल्दी करना है तो बेगैरत बनो, बेगैरत बनोगे सवाल ज़्यादा पूछोगे, सवाल ज़्यादा पूछोगे जल्दी पास हो जाओगे। ए का 32.04%, मतलब 0.3204 ए माइनस 1036500000। ठीक है जी, और ये अल्लाह भला करे आपका एक ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई हो रही है 66% से, और सीधे आते यही चीज़ है 1800000 प्लस 0.04 ए, फिर क्या होगा? 0.3204 का 66% लेंगे तो वो बनेगा 0.211464, 0.211464 ए माइनस, अच्छा 1036500000 इंटू 66% बन रहा होगा 6840 6840 9000 इज इक्वल्स टू 1800000 प्लस 0.04 ए। ठीक है, अच्छा फिर 0.211464 माइनस 0.04 करेंगे तो ये बन जाएगा 0.171464, 0.171464 ए इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड पर आपके पास आ जाएगा 6840900 प्लस 18123123, ये आ जाएगा 8640 8640 9000। ठीक है जी, अच्छा ए कितना होगा? ए जो होगा वो हो जाएगा 8640900 डिवाइडेड बाय 0.171464, ये 5039 5039 483 48350, 5039 48350 ये आंसर होगा। ठीक है, तो आपने बी पार्ट में से पूछा था, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टेबल एंट्री दैट नीड टू बी सोल्ड इफ द कंपनी वांट्स टू पे अ डिविडेंड ऑफ 10% एंड रिटेन अमाउंट टू 4%, ये आपका आंसर। अच्छा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टेबल एंट्री टू बी सोल्ड, सही 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 सही। तो क्या करना पड़ेगा भाई? अब हमें 5039 3948 350 को डिवाइड करना पड़ेगा एक पैकेट के सेल्स रेवेन्यू से। एक पैकेट का सेल्स रेवेन्यू कितना था? 54,000, तो 54,000 से डिवाइड करेंगे, ये नंबर ऑफ पैकेट्स आ गए, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ टेबल्स आ गए, और इसी को 4 से मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ चेयर्स आ गई, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए हमने इन दोनों को ऐड किया, तो हमारा आंसर 4669
6466611.88 ये फाइनल आंसर होगा, या इंडिविजुअली भी देख कैलकुलेट कर लिया। हाँ भाई, मजे का सवाल था ना, समझ में आना चाहिए भाई, ये सीफैप का सवाल है। ठीक है, टाइम लगेगा चीजें क्लियर होने में, लेकिन क्लियर इंशाल्लाह हो जाएंगी। डन हो गया। चले भाई, अब आप लोग इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे, बट अभी मैं एक अगले सवाल पर आप लोगों के साथ भरता हूँ। मैं एक और सवाल देखता हूँ। हाँ जी, चलिए जी, एक और मैथ का सवाल करते हैं। छोटा सा सवाल लगेगा आपको, चीज़ छोटी है, धमाका बड़ा है। चलो भाई, ये करके दिखाओ। आगे स्क्रीन पर सवाल स्टार्ट करोगे जी? 7 मार्क्स का सवाल है ना, 7 मार्क्स का सवाल है। दिन रात पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, चुटकी में कर लोगे? नहीं, अगेन याद रखना कि ये भी मैक का सवाल है। मैक जो है वो सी फैप यानी कि सीए फाइनल का जो है वो पेपर है, और ये विंटर 2013 क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये 7 मार्क्स का अगेन सवाल है। ठीक है जी, कितना टाइम दो भाई? मैं आप लोगों को अगेन दे रहा हूँ 2 बजे से लेकर, मैं आप लोगों को जो है वो 1:54 हो रहा ना, मैं आपको देता हूँ 2:15 तक का टाइम। सॉल्व कर कर आपने सेंड करना है मुझे, सॉल्व कर कर आपने सेंड करना है मुझे, सेंड करना है, सेंड करना है, सेंड करना है। ठीक है जी, 15 से 20 मिनट।
हाँ जी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। टाइम पूरा हुआ भाई, बताइएगा किसने क्या बनाया। जी भाई, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया भाई। सॉल्व हो गया। हाँ जी, सर टोटल सेल्स 164.1 समथिंग कुछ कह रहे हो। अच्छा चलो देखते हैं, एक मिनट, मैं ज़रा एक काम कर लूँ, काम का हाँ भाई, गाँव सारे। ज़रा अपने आंसर्स तो व्हाट्सएप करें, आंसर्स व्हाट्सएप करो बेटा। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, आंसर व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप 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 व्हाट्सएप, चाहे गलत किया हो सही किया हो, मुझे बताओ तो भाई क्या आंसर आया तुम लोगों का। कुछ तो करो, सेंड तो करो, देखेंगे क्या किया आप लोगों ने, क्या हो गया, जिंदा हो सारे। जो सही आंसर है ना, जो सही आंसर है वो सही आंसर मेरे ख्याल में है 44% का इंक्रीज, ये सही आंसर ठीक है। जो सही आंसर है वो है 44% का इंक्रीज। क्या मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर सकता हूँ? सोच रहा हूँ जिसने अभी तक आंसर नहीं भेजा उसको मीटिंग से ही निकाल दो, ग्रुप पे आंसर भेजो, इंडिविजुअली नहीं, ठीक है, ताकि देखा तो जाए स्टैंडिंग कहाँ है तुम लोगों की इस सेक्टर में। बिकॉज सवाल कहता है, ट्विंकल कंपनी लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू अचीव अ सेल्स ऑफ 120 मिलियन ड्यूरिंग द करंट ईयर, द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज एक्सपेक्टेड टू बी 20%, वेयर इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एस्टिमेटेड एट 25%। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर द कंपनी इंटेंड्स टू रिड्यूस इट्स प्राइसेज बाई 5% एंड प्लान टू मार्केट इट्स प्रोडक्ट विगरेसली टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम। सैलरीज कंस्टिट्यूट 40% ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द यूनियन एग्रीमेंट, यूनियन एग्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑफ 20% इज टू बी गिवन टू ऑल स्टाफ, अदर फिक्स कॉस्ट आर लाइकली टू रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये सवाल है। सवाल बोलते हैं, कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम दैट द कंपनी शुड अचीव सो एज टू मेंटेन अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 25%। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब होता है? जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब होता है, डिस्कस करना पड़ेगा हमें कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब होता है।
आप कितने सेल्स रीजन में हो? अच्छा देखें, लेट से एक एग्जांपल लेते हैं, लेट से सेल्स रेवेन्यू 200 और आपका अलग अलग करें सेल्स रेवेन्यू 200 और ये आप वेरिएबल कॉस्ट लिख लो, लेट से वेरिएबल कॉस्ट हम लिख लेते हैं बल्कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ब्रेक इवन सेल्स और एक्चुअल सेल्स का डिफरेंस। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो अगर परसेंटेज में निकाला जाए तो एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट वाला सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाई एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू इंटू 100%, इससे बनता है। ठीक है, अच्छा, और इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो करंट पोजीशन है ना, जो आपका करंट सेल्स रेवेन्यू है, जो आपका करंट सेल्स रेवेन्यू है या आपका जो करंट कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो ब्रेक इवन से कितना ज़्यादा आगे है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से सेलिंग प्राइस है 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो है लेट से 6, फिक्स्ड कॉस्ट है 8। ठीक है, और कंपनी के जो एक्चुअल यूनिट्स है ना, जो कंपनी एक्चुअल यूनिट्स बनाकर बेच रही है लेट से, वो है 10 यूनिट्स, या 10 यूनिट्स नहीं लेते, चलो हम ले लेते हैं 6 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए अगर ये सिनेरियो, ये एक मिसाल है, तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना, कंपनी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 10 माइनस 6 यानी कि 4। अच्छा, कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पर कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो कितना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट पर कंपनी का सेल्स रेवेन्यू होगा 2 यूनिट्स 10 वाले, ब्रेक इवन पॉइंट पर कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 2 यूनिट्स हैं, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये है, कंपनी की कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी होगी, 20 में से हमने 12 माइनस कर दिया 8 होगी, कंपनी की फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी, कंपनी का प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट यानी कि 0 होगा, ये कंपनी की ब्रेक इवन पोजिशन है। अच्छा, कंपनी के लेट से एक्चुअल यूनिट्स के हिसाब से कंपनी अगर एक्चुअली 10 यूनिट 6 यूनिट बनाकर बेचती है तो 10 के हिसाब से सेलिंग प्राइस हो जाएगी 60। कंपनी अगर 10 यूनिट्स बनाकर बेचती है तो 6 रुपये के हिसाब से 10 6 यूनिट्स की जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो होगी 36। सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे 24 का कंट्रीब्यूशन आएगा, 24 के कंट्रीब्यूशन में से 8 की फिक्स कॉस्ट हटाएंगे तो 24 माइनस 8 यानी कि 16 की हमारी प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। ये एक एग्जाम्पल बनाई है मैंने, ठीक है ना, ये एक एग्जाम्पल बनाई है। इस एग्जाम्पल के हिसाब से मुझे बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल्स रेवेन्यू कितना होगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना होगा, बताएं जल्दी से, जल्दी जल्दी करना भाई। फटाफट काइंडली, हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज से होगा वो कितना होगा, 60 माइनस 20 यानी कि 40 का होगा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज के लिए एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाई एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू यानी कि 66.67%। ये बात समझ में आ रही है? ये देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल बनाई है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को डिस्कस करने के लिए, ये एक एग्जाम्पल बनाई है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को डिस्कस करने के लिए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 66.67% है इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल के हिसाब से। क्लियर है सबको? अच्छा, मैं एक चीज लिखता हूं, यस या नो में बताइएगा आप लोग, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज, यस या नो?
अगर मैं एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू को मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा, यस या नो? आ जाएगा, यानी कि 60 मल्टीप्लाइड बाई 66.67% से क्या आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू। बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। आप कर देख लें, 36 मल्टीप्लाइड बाई 66.67% 24 आएगा। इसी तरह से ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। आप देख लें कर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई कर दें मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से, 16 आएगा। सॉरी, एक मिनट, अरे यार, वन माइनस, एक मिनट, इस फॉर्मूले को थोड़ा एडजस्ट करें। वन माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एडजस्ट करें। वन माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एडजस्ट करें। वन माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज, ठीक है, ये वन माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। देखें, मैच कर रहा? अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू चाहिए तो आप एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू को मल्टीप्लाई कर दो वन माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से, तो ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू आ जाता है। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट की वेरिएबल कॉस्ट चाहिए तो आप एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो वन माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से, तो आपके ब्रेक इवन पॉइंट पर जो वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए वो आ जाती है। इसी तरह से अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो एक्चुअल वाली जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उसको वन माइनस ब्रेक इवन पॉइंट की कंट्रीब्यूशन वन माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्लियर है? काइंडली जल्दी जल्दी बताएं, बात क्लियर हुई? इसको कॉपी करने लिख लें अगर आपको नहीं पता तो। क्लियर हो गया? एक मिनट रुको, मैंने फॉर्मूला जो है वो वन माइनस ये सही लगा हुआ है ये फॉर्मूला। एक मिनट, इसको P64 होना चाहिए ना, 64 फॉर्मूला सही नहीं लगा हुआ, अब सबसेट होगा। ओके हो गया? अच्छा, एक और बात मैं लिखूंगा, आप मुझे बताइएगा सही है नहीं। एट ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, सही बात है या नहीं? ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होती है। ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स कॉस्ट के एब्सोल्युटली बराबर इक्वल एक जितनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर हम पहले वाले पैराग्राफ से स्टार्ट करें, ये आपको मेरे ख्याल में प्रॉपर्टीज तो सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर हम पहले वाले पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें लिखा हुआ है ट्विंकल कंपनी लिमिटेड
ट्विंकल कंपनी लिमिटेड TCL इज एक्सपेक्टेड टू अचीव अ सेल्स ऑफ ₹120 मिलियन ड्यूरिंग द करंट ईयर. द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज एक्सपेक्टेड टू बी 20%, वेयर एज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एस्टिमेटेड एट 25%. यानी कि मैं करंट ईयर की बात करता हूँ, करंट ईयर का सेल्स रेवेन्यू है 120 मिलियन. करंट ईयर का जो मेरा CS रेशियो है वो है 20%. करंट ईयर का जो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज है वो है 25%. ऐसा ही है ना, जो अभी करंट साल है, उसकी मुझे सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू दी हुई है, मुझे ये बताया हुआ है कि आपका CS रेशियो कितना है, मुझे ये बताया हुआ है कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है. मुझे ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हुए बताओ कि करंट ईयर में ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू क्या होगी. फॉर्मूला आपके पास है, आपने मुझे ये बताना है कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट जो होता अगर कंपनी का, उस पर कंपनी का सेल्स रेवेन्यू कितना होता. कैसे निकालोगे? सर करंटली कंपनी जो है वो 120 मिलियन का सेल्स रेवेन्यू अचीव कर रही है, लेकिन अगर कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर होती तो उसका जो सेल्स रेवेन्यू होता वो करंट जो आपका सेल्स रेवेन्यू है यानी कि 120 मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज यानी कि 90 मिलियन. क्लियर हो गया? सही है भाई, ये बात समझ में आ गई. अच्छा अब मुझे ये बात बताओ कि कंपनी की जो कंट्रीब्यूशन है ना एक्चुअल, वो कितनी है. एक्चुअल कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो? अगर सेल्स रेवेन्यू 120 है और CS रेशियो 20% है, इसका मतलब कंपनी की अभी की कंट्रीब्यूशन कितनी है, 24 मिलियन है. ये बात भी समझ में आ गई. अच्छा मुझे कंपनी की फिक्स कॉस्ट बता सकते हो? हाँ भाई, कौन अकलमंद इंसान मुझे इस कंपनी की फिक्स कॉस्ट बता सकता है? अट्ठारह कैसे? चौबीस का पिछहत्तर परसेंट क्यों? हाँ हम 24 जो है वो मेरी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है. अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से तो ब्रेक इवन पॉइंट की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, और ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं. 24 जो है वो मेरी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है. ब्रेक इवन पॉइंट की कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए 24 को यानी कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा. जब मैं 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी वो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी जो ब्रेक इवन पॉइंट पर होगी, और ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हैं. ब्रेक इवन पॉइंट पर फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट 18 की है. क्लियर हो गया? ओके है प्यारे बच्चों, जरा थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ. ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, ब्रेक इवन पॉइंट की कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इनटू 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी. फिर ब्रेक इवन पॉइंट की कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होती है, तो फिक्स कॉस्ट भी उतनी ही होगी जो आपकी ब्रेक इवन पॉइंट की कंट्रीब्यूशन होगी. सही है. अच्छा अब अगर हम क्या कहते हैं दूसरी वर्किंग करें, हम एक जगह पर लिखते हैं करंट ईयर, एक जगह पर लिखते हैं नेक्स्ट ईयर, और जरा हम फिक्स कॉस्ट की वर्किंग करते हैं. हमें ये पता चल गया कि कंपनी की करंट ईयर की टोटल फिक्स कॉस्ट 18 है. 18 में क्या है, 18 ये टोटल फिक्स कॉस्ट है.
सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर द कंपनी इंटेंड्स टू रिड्यूस इट्स प्राइस बाई 5% एंड प्लान्स टू मार्केट इट्स प्रोडक्ट एग्रेसिवली टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम. सैलरीज कंस्टिट्यूट 40% ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द यूनियन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% इज टू बी गिवन टू ऑल स्टाफ. अदर फिक्स्ड कॉस्ट आर लाइकली टू रिमेन कॉन्स्टेंट. इसका मतलब जो हमारी फिक्स कॉस्ट है उसमें दो चीज़ें हैं, सैलरी है और अदर्स है. सैलरी कितनी है टोटल फिक्स कॉस्ट का कितना परसेंट, सैलरीज कितनी है टोटल फिक्स कॉस्ट का कितना परसेंट, 18 का 40% सैलरी है. 18 का 40% जो है वो सैलरी है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि टोटल फिक्स कॉस्ट का 40% सैलरी होगी. ठीक है, तो 7.2 की सैलरी होगी. इसका मतलब 18 का बाकी 60% अदर देन सैलरी एक्सपेंस है, तो 18 का बाकी 60% इज 10.2. नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में सवाल ये कहता है कि ये जो सैलरी है ये 20% से बढ़ जाएगी, तो 1.2 से मल्टीप्लाई, और बाकी कॉस्ट ऐसे ही रहेगी. ये नेक्स्ट ईयर मेरी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 19.44 हो जाएगी. क्लियर हो गया. ये मेरी फिक्स कॉस्ट की वर्किंग है. आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि फिक्स कॉस्ट की वर्किंग में अगर कोई मसला है तो मुझे बता दें. सैलरीज की अमाउंट को मैंने 20% से बढ़ाया है, अदर्स की अमाउंट को सेम रखा है, और इन दोनों को ऐड किया तो 19.44 आ रहा है. डन हो गया भाई. अब और आगे क्या कर सकते हैं, उसने ये बोला हुआ था कि अगले साल ये चेंजेस आ जाएंगे ना, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो 19.44 हो जाएगी. अच्छा, कंप्यूटिंग परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम दैट द कंपनी शुड अचीव सो एज टू मेंटेन अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 25%. अच्छा, ये फिक्स कॉस्ट आ गई. मुझे बताओ नेक्स्ट ईयर की ब्रेक इवन पॉइंट के सेल्स रेवेन्यू की क्या वैल्यू होगी, बताओ अगले साल ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू कितना होगा. इसके लिए हमें मेरे ख्याल में एक और वर्किंग करनी पड़ेगी. क्या अगले साल का सी एस रेशो, अगले साल का सी एस रेशो 20% होगा, क्या अगले साल का सी एस रेशो 20% होगा, नहीं, कितना होगा, कितना होगा. सवाल में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर द कंपनी इंटेंड्स टू रिड्यूस इट्स प्राइजेस बाई 5% एंड प्लान्स टू मार्केट इट्स प्रोडक्ट विग्रेसली टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम. देखो करंट ईयर में क्या चल रहा है, देखो करंट ईयर में क्या चल रहा है, सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन. करंट ईयर में कुछ ऐसा है कि अगर सेल्स रेवेन्यू 100 होता है तो जो कंट्रीब्यूशन होती है वो इसका, कंट्रीब्यूशन जो है वो इसका 20% होती है, और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो इसका 80% होती है. यानी कि अगर आप कोई चीज़ 100 की बेचते हो तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट आपको 80 पड़ी भी होती है, और उस पर कंट्रीब्यूशन आप 20 कमाते हो. सी एस रेशो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, 20 डिवाइडेड बाई 100. वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेवेन्यू का रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हो एज वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू. यानी कि ये आपके पास जो है ना वो ये पर्टिकुलरली रेशियोज आ जाते हैं. ठीक है, ये अभी करंट ईयर की बात है. अगले साल किस चीज़ में चेंज है, सर अगले साल सेलिंग प्राइस 5% से कम हो जाएगी. यानी कि जो 100 वाली चीज़ होगी, जो 100 की चीज़ मैं बेच रहा था अब वो मैं 100 में नहीं बेचूंगा, बल्कि मैं 100 वाली चीज़ जो है वो 95% पर बेचूंगा, यानी कि 95 पे बेचूंगा. सर सेलिंग प्राइस चेंज करने की वजह से वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी चेंज होती है, वेरिएबल कॉस्ट तो जितने का मुझे वो पड़ता है, मैं सस्ता अगर बेचूंगा तो जितने का पड़ता था उतने का ही पड़ेगा. यानी कि अब 95 वाली चीज़ जो है 80 की पड़ी होगी और 15 की कंट्रीब्यूशन होगी. सी एस रेशो 15 डिवाइडेड बाई 95 विच इज 15.7% होगा. क्लियर हो गया. ठीक है,
देखें अगले साल सेलिंग प्राइस 5% से कम होगी, 100 वाली चीज़ 95 में बेचोगे, लेकिन वो आएगी तो 80 में ही, पहले भी 80 की आती थी, अभी भी 80 की आएगी, कॉस्ट थोड़ी कम होगी तो कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगी। अब 15 रुपये की कंट्रीब्यूशन हर 95 पर है, तो परसेंटेज के हिसाब से वो 15.79% है। और VS रेशो भी अगर निकालना चाहो तो वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेल्स रेवेन्यू यानी कि 84.21%। अब ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई नई वाली सी एस रेशो की वैल्यू यानी कि 123.12, ये नया वाला ब्रेक इवन पॉइंट है। क्लियर है, ये नया वाला ब्रेक इवन पॉइंट होगा, हाँ या नहीं प्यारे बच्चों? नई वाली फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नया वाला सी एस रेशो, नई वाली फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नया वाला सी एस रेशो, नई वाली फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नया वाला सी एस रेशो, कोई मसला है इसमें? अच्छा, अब सर अगली वर्किंग क्या होगी, एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू, एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, किसी ने कंप्यूट किया अगले साल का एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू क्या होगा, अगले साल का एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू क्या होगा, बताओ कैसे कंप्यूट करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, एंड के 10 मिनट हैं, ये सवाल वाइंड अप करना है। हाँ जी, क्या करेंगे बेटा जी? देखो आप यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो ना, क्या था ये फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू इनटू 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अब हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू मौजूद है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो कि 25% चाहिए, तो एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू 164.16 आना चाहिए। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि ये 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी उल्टे हाथ पर जाएगा तो फिर डिवाइड होगा, एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना? 7 मार्क्स का छोटा सा सवाल, छोटा सवाल धमाका बड़ा। चलो जी, यानी कि अगले साल का एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू 164.16 होगा, इस साल का जो सेल्स रेवेन्यू था, एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू करंट ईयर, करंट ईयर का एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू कितना था सर? करंट ईयर का एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू जो था ना वो 120 मिलियन था। अब देखें अगर सवाल ये पूछ लेता ना कि परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स रेवेन्यू, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स रेवेन्यू, तो सवाल बड़ा आसान था। आप क्या करते, आप देखते कि चेंज कितना है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वाली वैल्यू, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंटेजेस में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन सवाल ने ये नहीं पूछा है, ये मैं क्लियर कर दूँ, वैसे तो ये 36.8% आ रहा है, क्यों भाई? नई वाली सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू, पुरानी वाली सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय पुरानी वाली सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू, 36.80% का चेंज आ रहा है। क्या सब लोग मेरे साथ हो? काइंडली मुझे कंफर्म करो, मुश्किल सवाल है, आपको रिकॉर्डिंग भी इसकी देखनी पड़ेगी, और अभी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा इस सवाल में? उसने क्या सेल्स रेवेन्यू का चेंज पूछा? क्या उसने ये पूछा कि सेल्स रेवेन्यू कितने से इंक्रीज होगा? उसने क्या पूछा है बताओ, उसने क्या पूछा है बताओ? हाँ, कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम दैट अ कंपनी शुड अचीव सो एज टू मेंटेन अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 25%। 36 वापस ये देखो फॉर्मूला, अगर हमें कोई पूछता है कि सेल्स रेवेन्यू कितने से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो हम उसका चेंज लेते हैं और फिर ओरिजिनल अमाउंट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यार, मसला ये है कि देखें, ये जो नया वाला सेल्स रेवेन्यू होगा ना, नया वाला सेल्स रेवेन्यू होगा, सेल्स रेवेन्यू कैसे आता है?
सेल रेवेन्यू दो इम्पैक्ट्स की वजह से आता है, सेलिंग प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट्स। सेल रेवेन्यू कैसे आता है? सेलिंग प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट्स। अब देखें आपका नया वाला सेल्स रेवेन्यू 164.16 है, आपका नया वाला सेल्स रेवेन्यू 164.16 है, आपका पुराना वाला सेल्स रेवेन्यू 120 था। नया वाला सेल्स रेवेन्यू नए वाले यूनिट्स इनटू नई वाली सेलिंग प्राइस की वजह से होगा। अच्छा, सेलिंग प्राइस मैंने डिक्रीज करी है 5% से, सेलिंग प्राइस मैंने डिक्रीज करी है 5% से, फिर भी सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। सेलिंग प्राइस मैंने 5% से डिक्रीज करी है, फिर भी सेल्स रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सेलिंग प्राइस मैंने 5% से डिक्रीज करी है, फिर भी सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा होगा? यूनिट्स की वजह से। यही इसका सवाल है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा रिड्यूस करे गए हैं। यार यहाँ तक क्लियर हो तो मुझे बताओ, वरना आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। लिटरली अभी भी बहुत सारी पंचायतें हैं इस सवाल में। अच्छा, अब यहां पर एक एग्जांपल लो। एज्यूम करो कि सेलिंग प्राइस है 10 और यूनिट्स हैं 5, बताओ सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? पचास होगा, है ना? अच्छा, एज्यूम कर लो साल 2020 था, साल 2022 में सेलिंग प्राइस जो है ना वो गई 12 और यूनिट्स जो है ना वो हो गए, ये सेलिंग प्राइस हो गई लेट से 9 और जो यूनिट्स है ना वो हो गए 10। अब सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? 9 × 10 यानी कि 90। एग्जाम्पल बड़ी खतरनाक एग्जाम्पल बना रहा हूँ। अगर सेलिंग प्राइस 10 है और यूनिट सोल्ड 5 है तो सेल्स रेवेन्यू 50 होगा, अगर सेलिंग प्राइस 9 हो यूनिट सोल्ड 10 हो तो सेल्स रेवेन्यू 90 होगा। ऐसा है? ऐसा है? अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सेल्स रेवेन्यू कितने से चेंज हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू, तो क्या बोलूंगा? मैं ये कहूंगा कि नया वाला सेल्स रेवेन्यू 90 है, पुराना वाला 50 था, यानी कि 40 से चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, यानी कि चेंज जो है वो 80% का आया है। यानी बच्चों जल्दी जल्दी जरा चैट बॉक्स में लिखना शुरू करें, टाइम कम है, मैं चाह रहा हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर दूँ। 80% से सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो। अगर कोई बोलेगा कि परसेंटेज चेंज इन सेलिंग प्राइस कितना है, क्या आंसर होगा? अगर कोई पूछेगा परसेंटेज चेंज इन सेलिंग प्राइस कितना है, तो मैं बोलूंगा कि नई वाली सेलिंग प्राइस 9 है, पुरानी वाली 10 होती थी, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, यानी कि सेलिंग प्राइस 10% से कम हुई है। अगर मैं कुछ मुझसे कोई पूछेगा कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना है, तो मेरा जवाब होगा कि नया वाला वॉल्यूम, अब मैं 10 यूनिट्स बेचता हूँ, पहले मैं 5 यूनिट्स बेचता था, मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू यानी कि 5, यानी कि मैंने 100% से वॉल्यूम इंक्रीज किया। क्लियर है? एग्री करते हो? ठीक है, तो देखो ये परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू ये है, लेकिन उसने हमसे ये पूछा है कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा। सर ये कैसे बताएंगे? देखिए आपको अगर वॉल्यूम मालूम करना हो ना किसी सवाल में, तो आप करेंगे कुछ इस तरह से कि आप जो है ना वो ये देखेंगे कि जनाब अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई होती तो क्या होता। क्या मतलब सर इसका? क्या मतलब? देखो 2020 में कितनी चीज़ें थी, 2020 का सेल्स रेवेन्यू बताओ, 2020 का सेल्स रेवेन्यू बताओ, 2020 का सेल्स रेवेन्यू कितना है? 50 है, सही है। 2022 अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई होती, अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई होती तो सेल्स रेवेन्यू 2022 का कितना होता?
सर एक मिनट, हाँ ये 2000, एक मिनट, हाँ अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई होती, अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई होती, ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये सेल्स रेवेन्यू है आपका 2020 का जो कि है 50, 2020 आपका करंट ईयर है, नए ईयर का सेल्स रेवेन्यू कितना है 90, है ना। इस 90 में दो इम्पैक्ट शामिल है, इस 90 में दो इम्पैक्ट शामिल है, क्या दो इम्पैक्ट शामिल है इस 90 में, दो इम्पैक्ट ये शामिल है कि नंबर वन, एक तो यूनिट्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं, नंबर टू सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुई है। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस नहीं हुई होती, अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस नहीं हुई होती तो ये सेल्स रेवेन्यू कितना होता, 10 यूनिट्स होते, 10 वाले, एग्री करते हो 100 पर होता, यानी कि मैंने करा क्या, मैंने करा क्या, मैंने सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट कर दिया दोनों में, सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट कर दिया दोनों में, सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट कर दिया ना, मैंने ये कहा कि सर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई होती ना तो आपका सेल रेवेन्यू 100 होता, मैंने दोनों की सेलिंग प्राइस जो है ना वो सेम कर दी, दोनों की सेलिंग प्राइस जो है ना वो सेम कर दी, दोनों की सेलिंग प्राइस जो है ना वो सेम कर दी, तो अब आप देख लो कि कितना चेंज आता है। अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई होती तो 100 का बिजनेस होता, पिछले साल 50 का हुआ था, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, यानी कि 50, यानी कि देखो 100% आ रहा है, देखो इससे मैच कर रहा है। तो तरीका क्या है कि जो चीज़ आपने मालूम करनी है उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट कर दो। 90 में सेलिंग प्राइस के कम होने का इम्पैक्ट भी शामिल है, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई होती तो सेल्स रेवेन्यू जो है वो 100 होता, और अगर 100 होता तो वॉल्यूम की वजह से जो इम्पैक्ट आया है वो 100% है, ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। क्लियर है? तो इसी तरह से देखें, यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आपके पास जो है ना ये 164.16 है सेलिंग प्राइस, चाहिए हो तो यूनिट्स कॉन्स्टेंट करेंगे। हाँ बिल्कुल, अब मुझे बताओ ये जो 164.16 है ना, ये जो 164.16 है इसमें सेलिंग प्राइस के चेंज होने का इम्पैक्ट भी शामिल है, ये 164.16 जो है इसमें सेलिंग प्राइस के चेंज होने का इम्पैक्ट भी शामिल है। अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई होती तो सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100 होता। क्यों? क्योंकि 5% से कम किया है ना, 5% से कम किया, तो अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई होती, अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई होती तो सेल्स रेवेन्यू कितना होता, 95 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, ग्रॉस अप कर दो, 5% से कम हुआ था ना, 5% से कम हुआ था ना, 5% से कम हुआ था, यानी कि 95 पर चला गया था 100 से, तो आप 95 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है? अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई होती जो कि 5% से कम हुई है, अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई होती तो सेल्स रेवेन्यू 172.8 होता, ठीक कह रहा हूँ, अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई होती तो सेल्स रेवेन्यू 172.8 होता, वो कितना आ गया है 164.16। बात समझ रहे हो? अब आप चेंज मालूम कर लो, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई होती, 5% से कम नहीं हुई होती तो सेल्स रेवेन्यू 172.8 होता और आपका वॉल्यूम का चेंज जो है वो 44% मिलता है। बेटा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो, अभी भी डिस्कशन करनी है, कुछ मुश्किल सवाल है, आसान नहीं है। डन, क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा दूसरी चीज सुनो जरा गौर से, सुनो जरा गौर से, देखो ये 90 है, 90 में सेलिंग प्राइस के कम होने का इम्पैक्ट शामिल है, 90 में सेलिंग प्राइस के कम होने का इम्पैक्ट शामिल है, इससे अगर 100 पर आना हो ना, हम एक और काम कर सकते हैं, वो ये है कि 90 में सेलिंग प्राइस के 10% कम होने का इम्पैक्ट शामिल है, तो इसको 90 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 में सेलिंग प्राइस के 10% कम होने का इम्पैक्ट शामिल है, यानी कि 100 वाली चीज़ 90 पर आई हुई है, तो इसको 90 से डिवाइड कर कर 100 से मल्टीप्लाई कर कर ग्रॉस अप कर दो, 100 आ गया, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग आपने देखी है, लाजमी तौर पर दोनों पास पेपर बड़े इंपॉर्टेंट सॉल्व करवाए हैं और दोनों सीए फाइनल के सवाल करवाए हैं,
डन अच्छा सर, दूसरा कोई तरीका है? हाँ एक और तरीका है, सुनो ज़रा गौर से, सुनो ज़रा गौर से। 2020 पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं ना, 2020 2022 देखिए। दूसरा तरीका ये है भाई, पहले वाले तरीके में तो आपने 2022 को छेड़ा, दूसरे वाले तरीके में आप 2022 को सेम रहने दो, यानी कि आप जो है ना वो ये बोलो कि भाई 90 का सेल्स रेवेन्यू है, ठीक है ना। ये 90 कैसे बना है? 9 × 10 से, 9 × 10 से, यानी कि सेलिंग प्राइस 9 है और यूनिट्स 10 है, सेलिंग प्राइस 9 है और यूनिट्स 10 है, सेलिंग प्राइस 9 है और यूनिट्स 10 है, मुझे वॉल्यूम का इम्पैक्ट चाहिए। अच्छा सर, अगर पिछले साल भी सेलिंग प्राइस 9 रुपये होती, अगर पिछले साल भी सेलिंग प्राइस 9 रुपये होती तो मेरा सेल्स रेवेन्यू पिछले साल का 9 × 5 45 होता। देखिए ये दूसरे वाले तरीके में मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे वाले तरीके में मैं 2022 को सेम रहने दे रहा हूँ, 2020 को चेंज कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि यार 2020 में भी अगर सेलिंग प्राइस 9 रुपये ही होती तो 5 यूनिट्स के बनते 45, कितना चेंज आया है। देखिए सेलिंग प्राइस को मैंने कांस्टेंट कर दिया ना, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल बना 100%। तो या तो आप 2022 के सेल्स रेवेन्यू में सेलिंग प्राइस के इंपैक्ट को चेंज कर और सेम ले आओ, या फिर 2020 के सेल्स रेवेन्यू को चेंज कर और उसको 2022 की अमाउंट पे ले आओ, दोनों से आंसर सेम आएगा। समझ गए बात को? अच्छा अब ज़रा यहाँ पर देख रहे हैं, यही चीज़ हम अपने सवाल में अप्लाई करें तो अब हम 164.16 को कांस्टेंट रहने देते हैं, 120 जो है वो पिछले साल की सेलिंग प्राइस पर है, 120 जो है वो पिछले साल की सेलिंग प्राइस पर है। अगर पिछले साल भी सेलिंग प्राइस 5% कम होती, अगर पिछले साल भी सेलिंग प्राइस 5% कम होती, अगर पिछले साल भी सेलिंग प्राइस 5% कम होती तो मेरा सेल्स रेवेन्यू पिछले साल का 120 नहीं बल्कि 114 होता। अब आप देखो चेंज, यानी कि 164.16 माइनस 114 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, सेम आंसर आया। तो आपने सेलिंग प्राइसेस को कांस्टेंट करना है, बड़े अकलमंदी वाले सवाल हैं दोनों जो सीफेक के हमने किए हैं। इंशाल्लाह ये सवाल कर लोगे तो इससे मुश्किल सवाल नहीं आएंगे, लेकिन ये आपने करने लाजमी है। अगेन बात समझ गए हो? इस केस में हमने क्या किया, इस केस में हमने 120 जो था पिछले साल जो चीज़ें बेची थी, हमने एज्यूम किया कि पिछले साल भी सेलिंग प्राइस कम होती, दोनों सेलिंग प्राइसेस को मैच करने के लिए तो हमारा यूनिट्स का जो इम्पैक्ट है वो आ रहा है सामने। डन हो गया? भाई आप लोगों का होमवर्क ये है कि जो दो सवाल मैंने आप लोगों को दिए थे और ये जो दो सवाल आज हमने डिस्कस करे बड़े डिटेल में डिस्कस करें, काइंडली इनको अच्छे से सॉल्व करें। और अभी भी हम CVP और EOQ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पेपर के, 30 से 40 मार्क्स जो है ना वो CVP डिसीशन मेकिंग EOQ से आते हैं। CVP डिसीशन मेकिंग EOQ के टॉपिक से आप समझ लो 30 to 40 मार्क्स का पेपर आ रहा होगा। मेरी कोशिश ये है कि यार ये एरिया मैं आप लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग करवा दूँ कि बाकी पेपर से आपने 10-15 मार्क्स ही उठा लें। तो भाई CVP EOQ को हम अभी भी नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। अब मैं क्लास को ऑफ करता हूँ, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर और ये दोनों सवाल आपने अच्छे से सॉल्व करने हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।